से पहले तो कैफे ठीक चलता था, लेकिन लॉकडाउन हुआ है जब से 8 महीने हमारा कैफे बंद रहा है और फॉरनर आ नहीं रहे हैं कुछ, मतलब गेस्ट भी नहीं आ रहे हैं, हमारे यहाँ तो इंडिया भी नहीं आ रहे हैं, मतलब एकदम से कैफे चल नहीं रहा है। और जो कुछ थोड़े बहुत गेस्ट आते हैं तो खाते 1000 का हैं, देते 500 रुपये हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं उन लोगों को समझना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है कि कुछ लोग समझते हैं हमारी मजबूरियों को कि हमने किस चीज़ के लिए खोला है, किस चीज़ के लिए नहीं खोला है, लेकिन सब लोग तो सेम नहीं होते। तो बस यही है कि सब लोगों से विनती है कि इस चीज़ को सपोर्ट करें, हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं तो हमें आज भी सपोर्ट करें, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम भी था तो सब लोगों के सपोर्ट से तो 6 साल हम कर पाए इस कैफे को। तो यही है कि सब लोगों से विनती है कि आए इस चीज़ को सपोर्ट करें और हमारा कैफे चले। अभी तो मुश्किलात हैं क्योंकि ताजमहल में जिस तरह से विजिटर अभी नंबर कम है, तो अभी हम उस स्टेज पे खड़े हैं कह सकते हैं कि जहां से हमने कैफे शुरू किया था, और क्योंकि इस महामारी के दौरान जिस तरह से एक टूरिस्टिक प्लेस है ये आगरा, यहां पर ज़्यादा टूरिज्म पे चीज़ें निर्भर हैं, तो अभी गेस्ट नहीं है तो हाँ काफ़ी चैलेंजिंग है, किराया निकालना, स्टाफ का किराया निकालना, बहुत सारी चीज़ें मुश्किल हो रही हैं। आने वाले इस उम्मीद में ये करते हैं कि सकारात्मकता का माहौल रहे, लोग सकारात्मक रहें और ये महामारी जितनी से जल्दी हो देश और दुनिया से चली जाए तो बहुत सारा जनजीवन जो प्रभावित हुआ है वो सही होगा, उसमें से हम सभी हैं। तो अगर सब चीज़ें सामान्य होंगी तो कैफे भी उसी दिशा में चल पड़ेगा जैसे चल रहा था।